के वध के बाद ये ग्रंथ लुप्त हो गया था। इसके बाद ही आद नाम की जगह पर पाया गया, जहां इसका ट्रांसलेशन फारसी और अरबी में हुआ। मूल तौर पर इस पुस्तक में काव्यात्मक छंद पाए जाते हैं। लाल किताब को अरुण संहिता भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे रेड बुक का नाम दिया गया है। लाल किताब की उत्पत्ति भारत से मानी जाती है। जानकारी के लिए बता दें कि 5 किताबों से मिलकर ये बनी है। इसमें लाइफ में आने वाली अलग अलग परिस्थितियों से जुड़े उपाय बताए गए हैं। दिलचस्प बात ये है कि इसके उपाय भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में आज भी लोक परंपराओं के रूप में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। यही नहीं, इसमें भविष्यवाणियां भी की गई है। कई एस्ट्रोलॉजर्स इस किताब को हस्तरेखा विज्ञान और कुंडली में ग्रह नक्षत्र आदि से भी जोड़कर देखते हैं। इसके नाम के पीछे की कहानी मानी जाती है कि जब इसे पब्लिश कराया गया तब इसका कवर लाल रंग का था, इसलिए इसका नाम लाल किताब पड़ा। माना जाता है कि इस किताब ने ज्योतिष विद्या और शास्त्र को अलग ही रंग दिया, क्योंकि इस किताब के आने से पहले तक जीवन से जुड़ी समस्याओं के किफायती उपाय नहीं बताए जाते थे और ना ही उस ढंग से कुंडली विश्लेषण होता था। गाय को रोटी खिलाने से लेकर पेड़ को जल देने समेत तमाम उपाय इस किताब में बताए गए। इसे 5 खंडों में लिखा गया। इसका पहला खंड साल 1939 में पब्लिश हुआ था। साल 1939 में आई बुक, जिसका नाम है लाल किताब के फरमान, इसमें कुल 383 पन्ने हैं। इसका दूसरा खंड 1940 में आया, जिसका नाम लाल किताब के अरमान है, इसमें कुल 280 पेज हैं। साल 1941 में आई इल्म सामुद्रिक की लाल किताब, इसमें 428 पन्ने हैं। फिर आई लाल किताब तरमीम शुदा, ये साल 1982 में आई, इसमें 384 पन्ने हैं। इसके 5वें खंड की बात करें तो इल्म सामुद्रिक की लाल किताब आई साल 1952 में, इसमें 1173 पन्ने हैं। इस किताब को लेकर लोगों के कई मत हैं। कई लोग ये मानते हैं कि आसमान से आवाज आई थी जिसके बाद ये किताब लिखी गई। इस बात में कितनी सच्चाई है, इस बात की पुष्टि हम नहीं कर सकते, लेकिन इस किताब की ख्याति दूर दूर तक है। भारत के पहाड़ी इलाकों से लेकर अफगानिस्तान तक इसकी पहुँच है। हालांकि कहा जाता है कि इस किताब में लिखे उपायों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, यानी दुकान से या ऑनलाइन से मंगा कर पढ़ना और इस पर अमल शुरू कर देना सही नहीं माना जाता है। इसके लिए सही जानकार होना बहुत जरूरी है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, साथ ही इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें।